सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स का प्रोडक्शन एंड आज के वीडियो पर मैं दिखाने वाला हूँ हम अपने वीडियो का स्काई को कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर यू बोल स्काई में हम कैसे बादल इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का वीडियो और काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम को यूज करते हैं देन आपको ये बात पता होगा। ठीक है, एंड इस टाइप का वीडियो आज हम क्रिएट करने वाले अलाइट मोशन से। अलाइट मोशन से इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि अगर आप काइन मास्टर या फिर वी एन एटर से करते हो देन आपको पता होगा कि यार मीन्स उसमें क्रोमा की सही से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक, या फिर यू बोलो वो पूरे तरीके से मीन्स काम नहीं कर रहे तो उतना सही से नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज हम अलाइट मोशन को यूज करेंगे 100%। आप इसमें मीन्स वीडियो का बैकग्राउंड या फिर यू बोल स्काई में आप बादल इफेक्ट ऐड कर पाओगे। ओके, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि स्काई को हम कैसे चेंज कर पाएंगे। ओके, और सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने अलाइट मोशन को ओपन करना है। यहाँ पे अलाइट मोशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद सिंपली से यहाँ पे आपको प्लस वाला बटन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो सिंपली सा उसके बाद आप यहाँ पे अपना मीन्स जो भी रेशियो का आपका वीडियो होगा उस रेशियो को आप सेलेक्ट करना। तो 9:16 का मेरा वीडियो है सो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो 6 डॉट दिख रहा है जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, देन उसके बाद अपने वीडियो को सिलेक्ट करना है। मेरा फर्स्ट ही में वीडियो है सो यहाँ से मैं नॉर्मली से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे ऐड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपका ये वीडियो इंपोर्ट हो गया। नाउ देन उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करना है एंड वही 6 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इस बार आपको स्काई इफेक्ट ऐड करना है, जो स्काई इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो कुछ स्काई इफेक्ट का डाउनलोड लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो उसे डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई करना। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्काई इफेक्ट को यहाँ पे लेता हूँ एंड प्लस वाले बटन पे क्लिक करते हैं एंड इसे यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ना उसके बाद क्या करना है, आपको इस स्काई इफेक्ट पे आपको एक बार टैप करना है एंड इसे कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है। ठीक है, आप मीन्स यहाँ से इसे पकड़ के इंक्रीज कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, ना उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे मीन्स कहीं पर भी आप टैप करना तो ये हट जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ये जो स्काई दिख रहा है ना जस्ट इसके बगल में आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग होल्ड करना। ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग टैप करना एंड इसे नीचे कर देना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड उसके बाद क्या करना है, आपको अपने वीडियो पे टैप करना है। ठीक है, वीडियो पे टैप करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सो आप इस पर क्लिक करना, एड इफेक्ट पे क्लिक करना एंड क्रोमा को ही हमें यूज करना है। ठीक है, क्रोमा की का यूज करेंगे बट मैं तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप कंप्लीटली इसे रिमूव कर पाओगे। ठीक है, तो क्रोमा की को जस्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना, स्टैंडर्ड सेटिंग को सेलेक्ट करना एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तो ग्रीन कलर हमें मिल रहा है, तो ग्रीन कलर पे आपको टैप करना है, ये पेंसिल वाले पे आपको टैप करना है एंड इसे स्काई में लेके आना है। ठीक है, स्काई में लाने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि मीन्स हमारा ये चेंज हो रहा है। ठीक है, देख सकते हो ये रिमूव हो रहा है। ठीक है, नाउ बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ ये वाला तो नहीं रिमूव हुआ, मीन्स आधा रिमूव हुआ एंड आधा बचा हुआ है। ठीक है, तो उसे रिमूव कैसे करना है मैं वो भी तरीका बता रहा हूँ, बट सबसे पहले क्या करना, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसका थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, इसे हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं एंड फीदर को आप पूरा डिक्रीज करना, थ्रेशोल्ड को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देना कि ताकि मीन्स थोड़ा अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। देन उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे बैक करना है। ठीक है, इफेक्ट पे फिर से टैप करना है एंड ऐड इफेक्ट पे टाइप करना है और फिर से इसी क्रोमा की को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्रोमा की पे क्लिक करते हैं एंड इसे सेलेक्ट करते हैं। नाउ उसके बाद सेकंड क्रोमा की पे हमको टाइप करना होगा, देन यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है एंड पेंसिल पे क्लिक करना है और जो पार्ट आपका बचा हुआ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट बचा हुआ था तो इस पर आपको लाना है एंड इसे रख देना है। ठीक है, ना उसके बाद इसका भी फीदर को कम करना है, थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करना है एंड लो भाई आपका पूरा वीडियो का मीन्स बैकग्राउंड देख सकते हो, पूरा स्काई चेंज हो गया। ठीक है, एंड देख सकते हो अभी भी मीन्स थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो क्या करना, थ्रेशोल्ड को आप इंक्रीज कर देना। ठीक है, ना थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करने से हमारे कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके जस्ट आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ना उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको बैक करना है एंड आपका वीडियो बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो देखो सिंपली हमने क्या किया, वीडियो को इंपोर्ट किया, क्रोमा की का ही हमने यूज किया है। ठीक है, बट थोड़ा अच्छे तरीके से यूज किया तो मीन्स हमारे काम बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, अपना रेजुलेशन सेलेक्ट कर लेना, जो भी रेजुलेशन पे मीन्स आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है, आपको वीडियो बन के रेडी हो गया। ठीक है, ना उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाने के बाद सेव का एक बटन मिलता है, तो आप उस पर टाइप करना एंड इसे सेव कर लेना, आपको वीडियो बनके रेडी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।